एसपी साहब का दौरा रविवार 5 अप्रैल को आगर जिले के एसपी साहब श्री मनोज कुमार सिंह पिपलोन कलानगर पहुंचे। वैश्विक स्तर पर फैली कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एसपी साहब ने पिपलोन कलानगर में जनता कर्फ्यू का अवलोकन किया। एसपी साहब ने जनता कर्फ्यू को सफल बताते हुए कहा कि पिपलोन कलानगर की जनता और क्षेत्र के ग्रामीण जनों ने शासन और प्रशासन के निर्देशों का पूर्ण रूप से जो पालन किया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। आगर जिला में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं से कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला है। लॉकडाउन की पूर्ण रूप से पालन करने हेतु पिपलोन कला चौकी प्रभारी महिला सब इंस्पेक्टर एसआई श्री बीएल अटरिया एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सतत ड्यूटी कर जनता के साथ संवाद कर जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में जो भूमिका निभाई है उसके लिए एसपी साहब ने खुशी जाहिर की। एवं पिपलोन कला एवं पिपलोन खुर्द से सैनिटाइजर स्प्रे का छिड़काव न करने के लिए स्थानीय पत्रकारों ने मांग की। एसपी साहब ने कहा कि हम आज ही बात करते हैं, आपके दोनों नगर में सैनिटाइजर स्प्रे का छिड़काव कराएंगे। साथ ही चौकी प्रभारी महोदया को निर्देश दिए गए कि सोशल डिस्टेंसिंग सतत बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग इस समय बीमारी का बचाव एकमात्र तरीका है। एसपी साहब ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी एवं भद्दे कमेंट करने से बाज आए, जो भी व्यक्ति जो भी ऐसे कृत्य में सम्मिलित पाया गया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी दंडित कार्रवाई की जाएगी। पिपलोन खुर्द से नंदकिशोर लाल कालियट की रिपोर्ट। किसी को कोई दिक्कत होता है तो किसी भी पुलिस अफसर को किसी भी अधिकारी को फोन करें सर, हमारे जवान हमेशा सेवा के लिए तत्पर हैं जी। और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है जी। ये जो बीमारी है कोरोना का वायरस है, इसका एक मात्र उपाय है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जी। और उसके बाद दूसरा कोई उपाय नहीं, किसी भी हालत में किसी भी तरह से से कम 4 फीट 5 फीट की दूरी रखें, लोग बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाएं, घरों में रहें तो भी वहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें ठीक है, साफ सफाई रखें। और जिले से कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा, जिले में बाहर से कोई आदमी नहीं आएगा। हम लोगों ने टोटल ब्लॉक कर दिया है, पूरे जिले को सील कर दिया है सर, चाहे इंटर स्टेट हो चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट, सभी को सहयोग करना है। अभी तक जो जनता सहयोग करी है उसके लिए सबको अपना धन्यवाद भी करता हूँ। सर ब्लॉक 14 तारीख तक ही रहेगा या आगे? अभी इसलिए कुछ कहा नहीं सकता है, अगर जैसा इस वायरस के फैलने का सिम्टम आएगा जी वैसे अनुसार सरकार निर्णय लेगी। अभी अपन मान के चलें कि 14 तक पूरी तरह से लॉकडाउन पालन करना है जी। और जो हालात सरकार का निर्देश आएगा वैसा अपन काम करेंगे जी। सर नगर को सैनिटाइज तो नगर को सैनिटाइज कराया गया नहीं कराया, नहीं कराया, नहीं कराया तो मैं बता कर कलेक्टर साहब को नगर पालिका का टीम भेज करके हम सैनिटाइज कराए। जनपद सीओ साहब से बात की गई थी पर उन्होंने भी टालन टोल जवाब दिए। मैं आज ही बात कर दी, आपके पूरे जितनी भी गलियाँ हैं सर सैनिटाइज कर जी सर धन्यवाद जी। लेकिन आप सब लोग मेरे तरफ से अपील करिए जी, अपने घरों में रहे जी, किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकलना है। 2 दिन बिना सब्जी खाए रहेंगे चलेगा, लेकिन बीमारी फैल गई तो फिर दिक्कत है। संयोग की बात है और सौभाग्य है सभी लोगों का, अभी तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया जी। अपनी उपलब्धि इसी में है कि एक भी केस पॉजिटिव ना आए, सबको एकदम न बाहर जाना है न बाहर निकलना है और सबको सहयोग करना है। हम सब लोग आपके लिए खड़े हैं, तो जनता के लिए खड़े हैं जी ठीक है। धन्यवाद।